हाउ टू हैव सेफ सेक्स। अधिकांश लोगों के लिए सेक्स जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे आप अपने पहले समय पर विचार करने वाले एक कुंवारी व्यक्ति हों या एक नए साथी की तलाश करने वाले अधिक अनुभवी व्यक्ति, सेक्स रोमांचक और थोड़ा नर्वस हो सकता है। सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करने का मतलब है कि आप नए साथी के साथ यौन संबंध बनाने में अधिक आसानी से आनंद ले सकते हैं। आप ज्ञान में आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं कि आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। यौन संचरित संक्रमणों या बीमारियों STIs या STDs, अवांछित गर्भधारण और अन्य जोखिम भरे यौन व्यवहारों के बारे में आपको सुरक्षित रहने के लिए सीखने की जरूरत है। याद रखें, आपको अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना होगा। स्टेप वन, अवॉइडिंग STIs। एक, लेटेक्स कॉन्डोम का उपयोग करें। पुरुष कॉन्डोम का इस्तेमाल योनि, गुदा और मौखिक संपर्क सहित किसी भी तरह के सेक्स के लिए किया जाना चाहिए। पुरुष लेटेक्स कॉन्डोम का उपयोग करना आसान, कुशल और सस्ता है। यह योजनाबद्ध पितृत्व स्थानों, अन्य परामर्श सेवाओं और कई स्कूलों में मुफ्त में व्यापक रूप से उपलब्ध है। संभोग के दौरान लेटेक्स कॉन्डोम का लगातार और सही तरीके से उपयोग करने से STI और गर्भावस्था के जोखिम को 99% तक कम किया जा सकता है। यदि आपको लेटेक्स से एलर्जी है तो आप पॉलीयुरेथेन कॉन्डोम का भी उपयोग कर सकते हैं, जो STI के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक या लैम्प स्किन कॉन्डोम गर्भावस्था के खिलाफ विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ संक्रमणों के संचरण को रोकने के लिए सामग्री पर्याप्त रूप से ठीक नहीं है, जिससे वे उस उद्देश्य के लिए कम विश्वसनीय हो जाते हैं। इरेक्ट पेनिस पर कॉन्डोम को ठीक से लगाएं। इसे एक साथ करने से अधिक अंतरंग अनुभव हो सकता है। याद रखें, सुरक्षित यौन संबंध के लिए दोनों साझेदार जिम्मेदार हैं। यदि आप यौन रूप से सक्रिय हैं, तो आपको हमेशा हाथ पर कॉन्डोम की आपूर्ति होनी चाहिए। नियमित रूप से समय सीमा समाप्ति तिथि की जांच करना सुनिश्चित करें। कॉन्डोम आमतौर पर ठीक से इस्तेमाल होने पर टूटता नहीं है, हालांकि अगर कॉन्डोम संभोग के दौरान फट जाता है या आंसू देता है, तो सुनिश्चित करें कि दोनों भागीदारों का 10 दिनों के भीतर परीक्षण किया जाए। दो, महिला कॉन्डोम का उपयोग करने पर विचार करें। योनि के लिंग के लिए महिला कॉन्डोम का उपयोग किया जा सकता है। वे अधिकांश STI के खिलाफ प्रभावी हैं और गर्भावस्था की संभावना को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि हार्मोनल गर्भ निरोधक के साथ विफलता की दर अधिक है, अन्य सुरक्षा के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर महिला कॉन्डोम बहुत प्रभावी हो सकता है। आपको कभी भी एक महिला और पुरुष कॉन्डोम का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह घर्षण पैदा कर सकता है जो एक या दोनों कॉन्डोम को फाड़ देगा, जिससे वे अप्रभावी हो जाएंगे। पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप महिला कॉन्डोम को ठीक से सम्मिलित करें। आप एक टेम्पोन डालने के समान महिला कॉन्डोम को सम्मिलित करेंगे। संभोग के दौरान लिंग महिला कॉन्डोम के अंदर होना चाहिए। यह संभावना नहीं है कि महिला कॉन्डोम सही तरीके से उपयोग किए जाने पर टूट जाएगा, हालांकि यदि कोई आंसू है तो 10 दिनों के भीतर परीक्षण करने के लिए अपने चिकित्सक से मिलना सुनिश्चित करें। तीन, ओरल सेक्स के लिए डेंटल डैम का इस्तेमाल करें। डेंटल डैम लेटेक्स शीट हैं या कॉन्डोम जो चौकों को बनाने के लिए खुले में काटे गए हैं। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो दंत बांधों से, गुप्तांगों से, मुंह से रक्त और अन्य तरल पदार्थ गुजरने के जोखिम को कम करने के लिए सिद्ध किया गया है। यह STI और HIV को रोकने में कारगर हैं। आप इनका उपयोग वल्वा और गुदा दोनों ओरल सेक्स करते समय कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि लेटेक्स में कोई छेद, आंसू या अन्य क्षति नहीं है। यदि आवश्यक हो तो किसी भी कॉर्नस्टार्च को कुल्ला, क्योंकि यह योनि संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। मुख मैथुन करते समय जननांग या गुदा को ढकें। पहले दंत डैम को बदलने के बिना योनि और गुदा के बीच कभी भी पीछे और पीछे की ओर न झुकें। उपयोग के बाद त्यागें। चार, एक स्नेहक की कोशिश करो। जबकि सेक्स के दौरान घर्षण एक सुखद एहसास हो सकता है, यह संक्रमण के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। घर्षण अक्सर टूटे हुए कॉन्डोम या दंत बांधों का कारण होता है। बहुत अधिक घर्षण को रोकने के लिए संभोग के दौरान एक स्नेहक का उपयोग करने का प्रयास करें। पैकेज पर सामग्री को पढ़ना सुनिश्चित करें।
लेटेक्स कॉन्डोम पर तेल आधारित चिकनाई का प्रयोग न करें, यह लेटेक्स को तोड़ देगा। इसके बजाय एक पानी आधारित स्नेहक चुनें। सिलिकॉन आधारित चिकनाई भी एक अच्छा विकल्प है। आप दंत बांधों को अधिक कोमल बनाने और आंसू की संभावना कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं। 5. अंतरंग होने के अन्य तरीके खोजें। आप और आपका साथी यौन गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं जो बिल्कुल जोखिम नहीं उठाते हैं। रचनात्मक रहें और एक दूसरे को चालू करने के नए तरीके खोजें। आप शब्दों और कल्पनाओं का उपयोग एक दूसरे को जगाने के लिए कर सकते हैं। कुछ जोखिम वाले यौन कार्यों में शामिल नहीं हैं। फोन सेक्स या सेक्सटिंग, आपसी हस्तमैथुन, साइबर सेक्स। 6. कम जोखिम वाली गतिविधियों का प्रयास करें। गुदा और योनि संभोग उच्च जोखिम यौन गतिविधियों को माना जाता है। संभोग रैली होने पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है क्योंकि गुदा की त्वचा पतली होती है, जिससे संक्रमण और रोग का संचरण अधिक हो जाता है। इसी तरह यौन संचारित रोग और संक्रमण मुंह और जननांगों के बीच संचरित होते हैं। असुरक्षित यौन संबंध बनाना भी एक जोखिम भरा व्यवहार है। आप अभी भी संभोग में संलग्न हुए बिना अंतरंग हो सकते हैं। कुछ नई यौन गतिविधियों को आजमाने के बारे में अपने साथी से बात करें। तुम कोशिश कर सकते हो। दीप चुंबन, प्रियतम वस्तु, सेक्स खिलौने जैसे कि डिल्डो या वाइब्रेटर के साथ प्रयोग करना। सेक्स टॉयज को साफ रखें। उपयोग के बीच हमेशा उन्हें धोएं और कभी भी उपयोग न करें जो कि आप साफ नहीं हैं। एक कटोरी पानी में कीटाणुनाशक का कमजोर समाधान एक सस्ता विकल्प है। खिलौनों को अच्छी तरह से रगड़े और उन्हें साफ और शुष्क वातावरण में सीलन वाले बैग में रखने से पहले उन्हें सुखाने के लिए सुनिश्चित करें। पार्टनर के साथ सेक्स टॉयज शेयर न करें क्योंकि आप इस तरह से संक्रमण फैला सकते हैं। स्टेप 2, कंसल्टिंग योर डॉक्टर। 1. नियमित रूप से जांच करवाएं। HIV और अन्य STI की जांच के लिए नियमित रूप से अपने डॉक्टर या एक निःशुल्क क्लिनिक में जाएं। संरक्षण का उपयोग बंद करने का निर्णय लेने से पहले एक मोनोगैमस साथी के साथ मिलकर परीक्षण करें। जब आप किसी रिश्ते में हों, तब भी आपको नियमित रूप से जांच करवाते रहना चाहिए। अनजाने में एक STI से संक्रमित होने की तुलना में परीक्षण करना बेहतर होता है। यदि आप घबराए हुए हैं तो अपने साथी को अपने साथ जाने के लिए कहें। यह अनुरोध करने के लिए लंगड़ा नहीं है कि आपका साथी यह उत्साह और स्वेच्छा से करता है। यदि आपका साथी एक साथ नहीं जाना चाहता है तो उन्हें अपने आप से जाने और परिणामों को आपके साथ साझा करने के लिए कहें। आप यह कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं आपकी गोपनीयता की आवश्यकता का सम्मान करता हूँ, लेकिन कृपया याद रखें कि यह हमारे शरीर और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। हमें यह जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने की आवश्यकता है। यदि आपका साथी सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करने का इच्छुक नहीं है तो दूसरा साथी ढूंढें। 2. जाने विशिष्ट लक्षण। खुद को शिक्षित करना आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। अपने आप को बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने ज्ञान को बढ़ावा देना। विभिन्न STI के बारे में जानने के लिए कुछ समय लें। आप संकुचन के तरीकों और लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। आपका डॉक्टर आपके सर्वोत्तम संसाधनों में से एक है। कुछ जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से पूछें या एक प्रतिष्ठित वेबसाइट देखें। उदाहरण के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे आम STI में से एक क्लैमिडिया अक्सर कोई लक्षण नहीं होता है। इस कारण से यह अक्सर अनजाने में दूसरों को पारित कर दिया जाता है। नए साथी के साथ सोने से पहले अपने डॉक्टर से सभी STI के लिए परीक्षण करने के लिए कहें। जननांग मोसाइक और सामान्य STI हैं। ये मस से त्वचा के संपर्क में आसानी से फैलते हैं। मांस के रंग के धक्कों फूलगोभी के समान दिख सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको सबसे अच्छी उपचार योजना खोजने में मदद कर सकता है। कई STI में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, हालांकि यदि आपको अपने साथी के जननांग पर कोई असामान्यता दिखाई देती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने तक सेक्स करने से बचना चाहिए। अपने शरीर को जानो। यदि आपको अपने शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई दे या नहीं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने में संकोच न करें। आप सॉरी से हमेशा बेहतर हैं। 3. टीका लगवाएं। टीकाकरण से कुछ STI को रोकने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
वर्तमान में ऐसे टीके हैं जिनका उपयोग हेपेटाइटिस ए और बी और मानव पेपिलोमा वायरस HPV को रोकने के लिए किया जा सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या ये टीके आपके लिए सही हैं। 9 से 26 वर्ष की आयु के महिलाओं को HPV वैक्सीन दिया जाना चाहिए। यह 6 महीनों में 3 खुराक में दिया जाता है। CDC बताता है कि यह टीका उन उम्र के बीच सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है। HPV वैक्सीन भी लड़कों के लिए अनुशंसित है, जो 11-12 वर्ष की आयु में दिया जाता है। CDC सभी बच्चों के लिए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन की सिफारिश करता है, जो पुरुष अन्य पुरुषों के साथ संभोग में संलग्न होते हैं और अवैध ड्रग उपयोग करता। कई आबादी हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी का टीका प्राप्त करना चाहिए। इन समूहों में शामिल हैं 19 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें पहले टीका नहीं लगाया गया है, अंतःशिरा दवा उपयोगकर्ता जो पुरुष पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं, HIV या क्रोनिक यकृत रोग वाले व्यक्ति। 4 इलाज कराओ। सुरक्षित और जिम्मेदार सेक्स करने का एक हिस्सा यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप अपने साथी को कोई बीमारी नहीं दे रहे हैं। यदि आपने STI का अनुबंध किया है तो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपको उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त हो। यदि आप एक सकारात्मक निदान प्राप्त करते हैं तो अपने डॉक्टर से आपके लिए सबसे अच्छा उपचार विकल्प के बारे में पूछें। उदाहरण के लिए, शायद आप सीखते हैं कि आपने गोनोरिया को अनुबंधित किया है। आपका डॉक्टर उपचार के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं का एक कोर्स लिखेगा। इसके लिए और किसी भी संक्रमण के लिए निर्देश के अनुसार दवा लेना सुनिश्चित करें। अपने चिकित्सक से पूछें कि क्या आपके कोई प्रश्न हैं या दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। अपने साथी को बताओ। आपको यह कहने की आवश्यकता है, मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि मुझे हाल ही में STI के लिए परीक्षण किया गया था। मुझे गोनोरिया है। आपको जल्द से जल्द जांच करवाने की आवश्यकता है। 5 उच्च जोखिम वाले सेक्स के बारे में पूछें। आप खुद को ऐसी स्थिति में पा सकते हैं जहां आप जानबूझकर उच्च जोखिम वाले सेक्स में संलग्न होना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, शायद आपके साथी को पहले HIV का पता चला था। यौन क्रिया में संलग्न होने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। ज्यादा प्रश्न पूछना। आप कह सकते हैं, मेरा साथी HIV पॉजिटिव है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं कि मैं नकारात्मक रहूं? संचार की पंक्तियों को खुला रखें। यदि आपके या आपके साथी के प्रश्न हैं, तो पूछना सुनिश्चित करें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्वस्थ और सुखी यौन जीवन रखना संभव है जिसने सकारात्मक परीक्षण किया हो। आपको बस यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा हमेशा आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। Step 3 प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज। 1 गोली का प्रयास करें। हार्मोनल गर्भ निरोधक तरीके गर्भावस्था को रोकने के लिए एक महिला के प्रजनन चक्र को नियंत्रित करते हैं। हार्मोनल जन्म नियंत्रण का सबसे आम प्रकार अक्सर गोली के रूप में जाना जाता है और हर दिन मौखिक रूप से लिया जाता है। जब सही और नियमित रूप से लिया जाता है तो हार्मोनल जन्म नियंत्रण 99% प्रभावी होता है। यदि आप हार्मोनल जन्म नियंत्रण में रुचि रखते हैं तो अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ या सामान्य देखभाल प्रदाता से एक नुस्खे के बारे में बात करें। हमेशा हार्मोनल बर्थ कंट्रोल सही से लें। हार्मोनल जन्म नियंत्रण अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, लेकिन केवल जब ठीक से और लगातार लिया जाता है। आपको प्रत्येक दिन एक ही समय पर अपनी गोली लेने की आवश्यकता है और धूम्रपान से बचें, जो आपके रक्तचाप और अन्य खतरनाक स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा सकता है। इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया कैसे करता है और किसी भी चिंता पर चर्चा करें। कभी कभी सही दवा लेने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। अपने फोन पर अलार्म सेट करने के लिए आपको याद दिलाएं कि आप अपनी गोली ले सकते हैं और प्रत्येक दिन एक ही समय पर कर सकते हैं। 2 वैकल्पिक हार्मोन चिकित्सा पर विचार करें। अन्य हार्मोनल तरीके भी उपलब्ध हैं और काफी विश्वसनीय हैं, 99% तक प्रभावी हैं। हार्मोनल पैच नरिंग और प्रत्यारोपण सप्ताह या कई वर्षों तक रह सकते हैं और काफी प्रभावी हैं। डेप्रोवेरा शॉट एक और विकल्प है जिसे हर कुछ महीनों में प्रशासित किया जाता है। अंतर्गर्भाशयी डिवाइस सिस्टम IUD या IUSP विचार करने के लिए विकल्प हैं।
गर्भावस्था और एसटीआई के जोखिम को कम करने के लिए जन्म नियंत्रण और कॉन्डोम दोनों का उपयोग करें। कॉन्डोम के अलावा अन्य प्रकार के गर्भ निरोधकों का उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीके से सेक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अधिक चिंता मुक्त वातावरण में अपने साथी के साथ मजे कर सकते हैं। 3. अवरोध गर्भ निरोधक का उपयोग करें। निम्न विधियां एचआईवी और अन्य यौन संचारित रोगों के संचरण के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं, लेकिन गर्भावस्था को रोकने में कुछ हद तक प्रभावी हैं। डायाफ्राम, गर्भ निरोधक स्पंज और गर्भाशय ग्रीवा के कैप को गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर रखा जाता है और इसे एक शुक्राणुनाशक जेल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक के इन तरीकों को आमतौर पर संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक पहना जाता है। अधिक से अधिक, ये विधियां औसतन लगभग 90% प्रभावी हैं, जो उन्हें जन्म नियंत्रण के अन्य तरीकों की तुलना में कुछ हद तक कम विश्वसनीय बनाती हैं। तथ्य यह है कि वे एसटीआई के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और आमतौर पर कॉन्डोम की तुलना में प्राप्त करना अधिक कठिन होता है, इससे उन्हें कम सिफारिश की जाती है, लेकिन फिर भी एक उपयोगी तरीका है। एक डायाफ्राम के लिए आपको फिट करने के लिए अपने डॉक्टर से पूछें। आप ज्यादातर दवा दुकानों पर स्पंज खरीद सकते हैं। निर्देशों का पालन बहुत सावधानी से करें। 4. अपने विकल्पों को जानें। यदि आप एक महिला हैं जो यौन रूप से सक्रिय हैं, तो संभव है कि आप अनजाने में गर्भवती हो सकती हैं। सुरक्षित यौन संबंध रखने का एक हिस्सा यह जानना है कि यदि आपके पास अनियोजित गर्भावस्था है तो आप क्या करेंगे। आगे सोचें और जानें कि आपको संसाधन कहाँ मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि प्लान्ड पेरेंटहुड के काउंसलर आपसे उन विकल्पों के बारे में बात कर सकते हैं जिनमें आपकी गर्भावस्था को समाप्त करना या जारी रखना शामिल है। अपने सहभागी से बात करें। यदि आप एक गंभीर रिश्ते में हैं, तो कहें, अगर मैं गर्भवती हो गई तो हम क्या करेंगे। आपातकालीन गर्भ निरोधक का उपयोग करें। प्लान बी, नेक्स्ट चॉइस और अला जैसे ड्रग्स असुरक्षित गर्भपात के बाद गर्भावस्था की संभावना को कम कर सकते हैं जब कोई गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं किया जाता है। अधिकांश को डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि कुछ की आयु सीमाएं होती हैं जो देश और राज्य के आधार पर भिन्न होती हैं। स्टेप 4. चूजिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स। 1. एकरस हो जाओ। मोनोगेमी का मतलब केवल एक यौन साथी के साथ एक विशेष संबंध में होना है। मोनोगेमी आपको एसटीआई के अनुबंध के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। यदि आप यौन रूप से सक्रिय होने जा रहे हैं, तो एकरूप होने पर विचार करें। सुनिश्चित करें कि आपका रिश्ता पारस्परिक रूप से एकरूप है, जिसका अर्थ है कि आप दोनों केवल एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रस्ट मोनोगेमी का एक बड़ा हिस्सा है। सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ खुले और ईमानदार हैं अपनी यौन गतिविधि के बारे में अतीत और वर्तमान। 2. हमेशा सेक्स से पहले और बाद में अपने पार्टनर के साथ बात करने के लिए समय निकालें। हर बार जब आप एक नए यौन संबंध में प्रवेश करते हैं, तो चादरों के बीच कूदने से पहले अपने साथी से बात करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण होता है। अपने खुद के यौन अनुभवों और सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करने की अपनी इच्छा के बारे में ईमानदार रहें। यदि आपका साथी सुरक्षित सेक्स का अभ्यास नहीं करना चाहता है, या अपने यौन इतिहास और अनुभवों के बारे में आपके साथ ठीक नहीं है, तो उनके साथ यौन संबंध न रखें। आपको संख्या बात करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी है, लेकिन आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या आपके साथी ने नियमित रूप से जोखिम भरा यौन व्यवहार किया है। सेक्स करने का निर्णय लेने से पहले एक साथ जाँच करवा लें। सहमति से सेक्स करें। सुनिश्चित करें कि आपका साथी सेक्स के लिए सहमति देने में सक्षम है और यह कि रिश्ते में दोनों लोग हर बार यौन गतिविधि के लिए सहमत हैं। एक बार सहमति देने का मतलब भविष्य के यौन मुठभेड़ों के लिए सहमति नहीं है, और इसी तरह एक गतिविधि के लिए सहमति देना किसी अन्य की सहमति का सुझाव नहीं देता है। कभी भी सहमति न माने। 3. पहले अपनी सुरक्षा रखो। सेक्स के साथ ड्रग्स और शराब को मिलाने से बचें। ड्रग्स या शराब के प्रभाव में सेक्स करना कभी भी एक सुरक्षित विचार नहीं है।
यदि आप नशे में उच्च हैं, तो आपकी सुरक्षित सेक्स प्रथाओं से समझौता किया जा सकता है और कम प्रभावी हो सकता है, और आप दूसरे व्यक्ति के संकेतों को गलत तरीके से पढ़ सकते हैं या वे आपके संकेतों को गलत तरीके से फैला सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः गैर सहमति सेक्स हो सकता है। यदि आप पार्टियों में जाते हैं और नशे में या ड्रग्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों के साथ रहना सबसे सुरक्षित है। एक दूसरे के लिए बाहर देखो, पे साझा न करें। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, उससे एक पे स्वीकार न करें। पे के शीर्ष पर अपना हाथ रखें और इसे हर समय अपने साथ रखें। यदि आप बाथरूम जाते हैं तो इसे उजागर नहीं छोड़ें। अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहने से आप डेट रेप ड्रग्स के शिकार होने से बच सकते हैं। आम डेट बलात्कार की दवाएं रोहिप्नोल, छते, GHB और केटामाइन हैं। सामान्य लक्षणों में चक्कर आना, भ्रम और मोटर कौशल के साथ कठिनाई शामिल है। यदि आपको संदेह है कि आपको ड्रग दिया गया है, तो चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। 4. अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखें। किसी को भी यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का अधिकार नहीं है। यह संभोग पर लागू होता है, लेकिन यौन गतिविधियों के अन्य रूपों पर भी। यदि आप असहज महसूस करते हैं, तो खुद को स्थिति से हटा दें। आम दबाव वाली रणनीति में ब्रेकअप की धमकी देना या ड्रग्स या शराब से आपको प्रभावित करने की कोशिश करना शामिल है। आप कह सकते हैं, मैं सहज महसूस नहीं करता, बंद करो। आप यह भी कह सकते हैं, मैं वास्तव में आप चुंबन आनंद ले रहे थे, मैं उस स्तर पर चीजें रखना पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह 5. अगर आप सेक्स के लिए तैयार हैं तो फिगर आउट करें। चाहे आप एक कुंवारी हैं या सिर्फ एक नया रिश्ता शुरू कर रही हैं, आप किसी नए व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए घबरा सकती हैं। यह पूरी तरह से सामान्य है। आत्म मूल्यांकन करना एक अच्छा विचार है। यदि आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो अपनी भावनाओं को दर्शाने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है। अपने आप को सवालों की एक श्रृंखला के लिए पूछें। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने यौन क्रियाकलाप के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करने के लिए तैयार हैं? इसके अतिरिक्त आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप अपने साथी के साथ अंतरंगता पर चर्चा करने में सहज महसूस करते हैं? इसके अलावा, क्या आप यह कहते हुए सहज महसूस करते हैं कि आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं? यदि आप इन सवालों का आत्मविश्वास से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो यौन संबंध बनाने पर रोक लगाना एक अच्छा विचार हो सकता है। याद रखें, हर रिश्ता अपनी गति से चलता है। टिप्स: पेट्रोलियम या तेल आधारित उत्पादों का उपयोग न करें, क्योंकि ये कॉन्डोम को कमजोर कर देंगे। बाजार पर बहुत सारे अच्छे पानी आधारित स्नेहक हैं। केवल मामले में आपके साथ कॉन्डोम ले जाएं, लेकिन उन्हें अपने शरीर, जैसे आपके बिटुए में, के करीब रखने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मी लेटेक्स के टूटने में तेजी लाएगी। सेक्स में योनि और गुदा मैथुन के अलावा अन्य विकल्प भी शामिल हैं। मैनुअल और ओरल सेक्स भी गर्भ निरोधक की आवश्यकता के बिना यौन गतिविधि की अनुमति देता है। इस बात को ध्यान में रखें कि HIV जैसी बीमारियां अभी भी आपके मुंह में लगी छोटी छोटी चोटों से फैल सकती हैं। कॉन्डोम का उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए करें, खासकर यदि आपके साथी ने हाल ही में HIV के लिए परीक्षण नहीं किया है। जल्द से जल्द कॉन्डोम लगाना अच्छा रहेगा। जबकि काउपर के फ्लूइड फ्रीडम में शुक्राणु के निशान को गर्भावस्था के कारण होने की संभावना नहीं माना जाता है, यह STI के प्रसार या संकुचन को रोकने के लिए आवश्यक है। UK में कॉन्डोम परिवार नियोजन क्लिनिक से निःशुल्क उपलब्ध हैं और गर्भ निरोधक के सभी प्रकार NHS पर मुफ्त हैं। अगर आपको पता है कि लेटेक्स से एलर्जी नहीं है, तो वह कहता है कि उसके साथ यौन संबंध न बनाएं। चीजों में जल्दबाजी न करें। आप दोनों को इस बारे में बात करने के लिए अपना समय लेना चाहिए कि आप दोनों क्या चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप और आपका साथी सेक्स करने में सहज हैं। इसलिए, करने से पहले पूछें। चेतावनी: बिना किसी जोखिम के सेक्स नहीं होता है। गर्भ निरोधक का कोई भी रूप 100% विश्वसनीय नहीं है। सेक्स न करना STI न कर पाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। यौन संचारित रोग वैवाहिक स्थिति, आयु, यौन अभिविन्यास, वर्ग या त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। कभी भी अपने आप को या अपने साथी को फल के साथ आनंद न दे, जैसे कि केले या अन्य प्रकार की फालिक जैसी वस्तुएं जो ठोस नहीं होती हैं।
इसे ध्यान में रखने में विफलता एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां चिकित्सा पेशेवरों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है।